हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल देसी तड़का फूड। तो आज मैं आपको बादाम का हलवा बनाना सिखाऊंगी, जिसको आप स्टोर करके भी रख सकते हो। तो उसके लिए हमने यहाँ पे बादाम लिए हैं, इनको भिगा दिया है। उसके बाद यहाँ पे हमने खसखस लिया है, इसको भी हम ओवरनाइट भिगो के रख देंगे। इसको पानी में मिक्स करके डुबा के फिर इसको रख देंगे ओवरनाइट के लिए। उसके बाद हम इसको निकालेंगे और इसका सारा पानी बाहर निकाल देंगे। फिर हम इसके अंदर हॉट वाटर डालेंगे ताकि इसके जो छिलके हैं वो आसानी से निकल जाए। हॉट वाटर में इसको डाल के रखने के बाद जब हम छिलके निकालेंगे तो वो इजीली रिमूव हो जाएंगे और बहुत आसानी से निकल जाएंगे। ये देखिए, हमारे छिलके बिल्कुल आसानी से नीटली निकल चुके हैं सारे। उसके बाद हम इसको मिक्सर में डालेंगे इसका पेस्ट बनाने के लिए। तो यहाँ पे हमने सारे बादाम डाल लिए हैं, इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि इसका पेस्ट अच्छे से बन जाए। ये देखिए, इसका पेस्ट बनके बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको कढ़ाई में निकाल लेंगे। उसके बाद हम खसखस को भी सेम उसी तरीके से मिक्सी में पीस लेंगे, पानी डालेंगे और इसका भी पेस्ट बना लेंगे। फिर इस पेस्ट को हम कढ़ाई के अंदर निकाल देंगे। फिर हम इस पेस्ट को अच्छे से पकाएंगे। उसके लिए हमने कढ़ाई को गैस पे रख दिया है और इसके अंदर हम यूज़ कर रहे हैं देसी घी। हमने यहाँ पे देसी घी डाल दिया है, अब हम इसको पकाएंगे। ये देखिए, यहाँ पे पकने का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। ये पकने लगा है, फूलने लगा है। जब आपका हलवा बिल्कुल इस कंसिस्टेंसी में आ जाए तो हम गैस ऑफ़ कर देंगे और हम इसको स्टोर करके 8 दिन के लिए हम इसको स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं। उसके बाद जब भी हलवा बनाना हो तो थोड़ा सा अमाउंट में उसको लेके उसमें पानी डाल के हम बना सकते हैं। फिर हमने इसमें डाल दी यहाँ पे चीनी और चीनी में इसको पकाएंगे। ये देखिए, हमारा हलवा बिल्कुल रेडी है। हमारा बादाम का हलवा बिल्कुल रेडी है, जो झटपट बन जाता है। आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हो, जब ज़रूरत हो तो आप बना सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल देसी तड़का फूड्स। यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।